हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका ईएमआरएस का, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और यहाँ पर एग्जाम हुआ है लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2023 का ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है ऑन 23rd December को, 23rd December 2023 ऑन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे। जैसे आप सेक्शन में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस की और प्लस साथ में जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 16, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरल अवेयरनेस का, उसके बारे में। अमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। सो यहां पर वो प्लैनेट है सैटर्न, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। So, 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड आल्सो टू द नॉन सिटीजन और बेसिकली एनआरआईज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर हम बात करें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बेसिकली रहेगा यहाँ पर, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रहेगा, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। सो इसके लिए देखिए, ये आपका फंडामेंटल राइट नॉन एनआरआईज के लिए नहीं होगा ये, ठीक है। तो दिस विल नॉट कंसिडर, सो ए एंड बी रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सो 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है अ मैग्नेट एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वॉज नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व इन अक्टूबर 2022। सो 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सो यहां पर आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज। सो दैट इज लेस देन 1% रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन्स ऑल गोल्ड मेडल्स अंडर 15 एंड अंडर 19 कैटेगरी इन साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। सो यहां पर आंसर होगा 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, विच फिल्म वॉन्स द एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट द 95th एकेडमी अवार्ड। देखिए यहां पर आंसर है एलिफेंट विस्पर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 का, मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट एग्जाम्स से पूछा गया है। व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म रिगार्डिंग द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। सो यहाँ पर जो रेशियो है वो रहेगा आपका दैट विल बी द 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1:1000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 22 हो चुका है ना हमारा, ठीक है। 23 के बाद 24 पर आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज एंड ऑफिशियल करेंसी इज मैच्ड करेक्टली, ठीक है। तो करेक्टली मैच की हम बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन में भूटान में आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, रियल नहीं है अर्जेंटीना का। सो ऑप्शन 3 दैट इज ए एंड बी, ठीक है, ऑप्शन 3 होगा 24 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23 द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्कूल्स इन इंडिया हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द 2021-22 स्टैटिस्टिक्स। सो यहां पर गर्ल्स टॉयलेट की हम बात ज्यादा करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच एज ग्रुप इज कवर्ड अंडर द न्यू पेडागॉजिकल एंड करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो द एज ग्रुप इज 3 to 18 years, ऑप्शन नंबर 26 का 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का ए 1 ही होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन।
ओके, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय द दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करें तो अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास फर्स्ट टू सेवेंथ एज पर द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2022। सो इसके अनुसार जो है गुजरात रहेगा नंबर वन पे, ठीक है। 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 21, ठीक है। 29 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है, नहीं हाइड्रोजन की क्यों होगी भाई, सो बिल्कुल करेक्ट है, हाँ हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो हुज डिसीजन इज कंसिडर्ड टू बी फाइनल इन केस ऑफ क्वेश्चन अराइजेस विद रिगार्ड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पर हम फाइनल डिसीजन की बात करें इन द पार्लियामेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ज्वाइंट सिटिंग कह सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन टू होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन टू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं हम डायरेक्टली, जो कि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये आपके हिंदी के और बाकी लैंग्वेज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चन, इनके आंसर्स को देखते हैं। अ प्लेन मिरर इज अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स सेंटर फ्रॉम द फिक्स्ड सोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। द मिरर इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर एंटी क्लॉकवाइज बाई 10 डिग्री। द रिफ्लेक्शन ऑफ रे इज रोटेटेड बाई एंटी क्लॉकवाइज एट 20 डिग्री एंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अ शार्प इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यू नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन। ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर जो है बर्निंग ऑफ वुड एंड जो है बर्निंग ऑफ वुड वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, डिजोल्यूशन नहीं होगा, क्रशिंग ऑफ कैन नहीं होगा, वुड रहेगा ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोसिव सब्सटेंसेस दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 64 का। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, When an iron get nailed, rusted iron oxide formed with increase in the weight of the nail. Option number one यहाँ पर correct answer हो जाएगा. Question number 66, which laboratory apparatus is used for measuring volume of liquid? So इसके लिए graduated cylinder आपका use किया जाता है. 66 का right, ठीक है. Option number D correct, four यहाँ पर correct answer होगा. What is the purpose of biosafety cabinet? Biosafety cabinet का purpose जो है वो क्या है? To provide safety walls to work with the biological agents. Option number 3 correct answer होगा. What is the appropriate normality of dilute acid in science laboratory? So 83 का यहाँ पर आपका, sorry 68 का correct answer आपका option 4 होगा, 2N, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया 68 नंबर क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। सो व्हाट शुड नॉट बी डन इफ स्टूडेंट एक्सीडेंटली इनहेल कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सो नॉट है ना, लेट द स्टूडेंट ब्रीथ, ओके यहाँ पर आपका स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रूट जूस, ये आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं करनी है आपको, फ्रूट जूस वगैरह या लेमन जूस आपको नहीं देना है पीने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, तो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर इज एडेड टू द एसिटिक एसिड एज अ गैस इवॉल्व्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द गैस। सो यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, तो यहाँ पर रहेगा इट टर्म्स
लाइम वाटर मिल्की, नॉट ट्रू, ये गलत है आपका, ठीक है। वट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टॉप वॉच इन अ फिजिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, सो यहाँ पर आपका होगा टू रिकॉर्ड टाइम इंटरवल, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर वन, यहाँ पर बेसिकली नॉट ए, ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 71 नंबर क्वेश्चन। 72 की बात करते हैं, वट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, सो दैट इज यहाँ पर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 के बाद। 73 की बात करते हैं, विच सब्सटेंस इज करेक्टली मैच विद द स्टोरेज कंटेनर, इट्स अ स्टोरेज कंटेनर, सो यहाँ पर 73 की बात करें तो यहाँ पर होगा ब्रोमियाइन डार्क कलर ग्लास, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं इसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर आपकी ड्यूटीज है टू असिस्ट द टीचर विद एक्सपेरिमेंट, टू मेंटेन द लैब इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, टू प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स, तीनों चीजें रहेंगे तो ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, विच लैब इक्विपमेंट इज यूज टू होल्ड टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द हीटिंग, सो यहाँ पर आंसर होगा होल्डर, ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। इन फायर वर्क द ग्रीन फ्लेम इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ दिस बेरियम, ऑप्शन फोर यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन, सो जिसमें आपसे पूछा गया है when ice converted into ice water, when ice converted into water so heat is absorbed, what is the process of separating a mixture of liquid into an individual component by using the difference in boiling point called as, so this is called as the distillation, theek hai, option number 3 is the correct answer for this particular question. Next question hai question number 79, chlorophyll is naturally occurring slate compound in which of the in which the central metal atom is, इसके अंदर central metal atom जो होता है वो होता है magnesium, which gas is used during photosynthesis, तो यहाँ पर आपकी use होती है oxygen, option 4 यहाँ पर होगा 80 number question का correct answer. अगला question है 81, what is soap, soap क्या होता है, soap होते हैं sodium and potassium के heavy fatty acids, ठीक है, option number 1 यहाँ पर हो जाएगा question का correct answer, 81 number. 82 की बात करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन द लेबोरेटरी, सो दैट इज द ड्राई पाउडर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, लेबोरेटरी के अंदर हम यूज कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करेंगे 84 वाले क्वेश्चन को, मैं अभी छोड़ता हूँ, ठीक है। 85 पर आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ using a control pump in a biological experiment, so 85 का यहाँ पर correct answer होगा to test multiple variables simultaneously, option 1 यहाँ पर correct answer हो जाएगा। अगला question है question number 85 के बाद 86, what does pH means, pH का मतलब होता है acidity or alkalinity, for a fire caused by a short circuiting of an electric circuit, what should not be done, उस time पर आपको क्या नहीं करना है, पानी आपको उस affected area के अंदर नहीं डालना है, ठीक है, थ्रो वाटर इन द एरिया, ये चीज नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 को भी मैं अभी यहाँ पर 88 pH buffer solution, ओके 88 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड अलोंग विद इट्स अप्रोप्रिएट सॉल्ट शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ पीएच 4.5, सो यहाँ पर जो रहेगा आंसर वो रहेगा CKa 1.8 × 10⁻¹⁵, ऑप्शन ए करेक्ट, वन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Which of these is a primary standard oxidizing agent in a redox titration? 89 का करेक्ट आंसर होगा KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सोडा वाटर क्या कंटेन करता है, सोडा वाटर कंटेन्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है फॉर बर्न कॉज्ड बाय स्टीम और हॉट वाटर द अफेक्टेड पार्ट शुड नॉट बी वॉश्ड विद, so this is doing with the cold running water, ठीक है, cold running water 91 का आपका 3 ही correct answer होना चाहिए, हाँ ठीक है। question number 92, what is the purpose of fume hood, fume hood का purpose क्या है, इसका purpose है to provide the place to store chemicals, option number
सी हो जाएगा यहाँ पर, थ्री हो जाएगा नॉट सी, एक सेकंड ओके 92 को पूरा कर दे, पूरा नहीं देखा था मैंने। देखिए पर्पज ऑफ फ्यूम हुड की हम बात कर रहे हैं तो नहीं स्टोर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। टू एक्सपेरिमेंट हाई टेम्परेचर, टू रिमूव फ्यूम्स फ्रॉम द एयर और प्रोवाइड सेफ प्लेस टू वर्क इन द केमिकल, वन ए और बी रहेगा, ए और बी दैट इज ऑप्शन सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, फायर कॉज बाई बर्निंग ऑफ ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर, व्हाई डज इट सो, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑयल बींग इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन इट एंड विल फ्लोट ऑन द वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग, ऑप्शन वन यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 की तरफ बढ़ते हैं, 94 में पूछा है द रेट ऑफ रेट एट विच द सॉलिड डिजॉल्व कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय हीट ऑफ सॉल्वेंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल मूव फास्टर, ऑप्शन फोर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 94 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर, वो है इथेनॉल, एंड एमीटर हैज 20 डिवीजन बिटवीन द मार्क 0 टू 2 ऑन इट्स स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर इज, सो लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर जो है 96 में वो क्या होगा, वो होगा 0.02 A। ठीक है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर। ठीक है 96 के बाद 97 की बात करते हैं, तो यहाँ पर है व्हाट डज द टर्म फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, फ्लेमेबल का मतलब होता है यहाँ पर कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 98 है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन, थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। 99 नंबर पे आते हैं, विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, सो यहाँ पर रहेगी आपकी नाइट्रोजन। ठीक है अगला क्वेश्चन 100 नंबर है तो इसे देखते हैं, एंड यहाँ पर आपसे पूछा है वट आर द एसेंशियल सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ अ साइंस लेबोरेटरी। ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें तो आई वॉश स्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ स्पेस ऑफ केमिकल्स, लिस्ट टू एंट्रेंस और टू एग्जिस्ट होने चाहिए, इलेक्ट्रिक सॉकेट नियर द सिंक, नहीं ये गलत है, ए बी सी रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन वन। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, 102 पर आते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास क्या होता है, वो होता है आपका केजी, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम दैट इज एन ए, एंड फिर हम बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की, सो 104 में ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो असर्शन है दैट इज करेक्ट, असर्शन और रीजन तो दोनों, नहीं 104 की बात कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, फॉर प्रिपेयरिंग सल्फरिक सोल्यूशन ऑलवेज एड द एसिटिक एसिड टू द ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं बट रीजन अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन फोर यहाँ पर 104 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं 105 की, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ता हूँ अभी, 106 पर आते हैं, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, सो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होती है 7। ठीक है क्वेश्चन नंबर 107 और यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट शुड अ लैब अटेंडेंट डू इफ दे स्पिल अ केमिकल, अगर जो वहाँ केमिकल फैल जाए तो क्या होगा, तो इमीडिएटली क्लीन अप द स्पिल एंड रिपोर्ट द स्पिल लैब टेक्नीशियन और टीचर इन चार्ज, दोनों चीजें रहेंगे, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर द कैरोसिन, ऑप्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को हम, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी प्रिकॉशन इन अ लेबोरेटरी, नॉट पूछा गया है ना, 109 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर होगा ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन द लैब इज नॉट अलाउड, ये सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है भाई, अलाउड ही नहीं होता है, ठीक है इसका कोई मतलब ही नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है तो यहाँ पर फॉर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड यूज्ड बोरोसिलिकेट ग्लास फ्री ऑफ स्क्रैचेस चिप्स एंड ब्रेक्स, ओके ये करेक्ट है आपका, एंड रीजन भी आपका टेम्परेचर शैटर्ड, ये भी करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन में मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, सो मेन बफर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज, ओके यहाँ पर 111 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज बैलेंस, ठीक है बैलेंस को यूज किया जाता है
मास मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन इज पॉसिबल यूजिंग फिनॉल फेथिलीन एज एन इंडिकेटर। सो 113 की हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड एंड विद NaOH, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए थोड़ा ज्यादा ही उदार है तो मैं इसको रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आंसर कैसे बता पाऊँ उसका, है ना। चलिए हम बात करते हैं फिर आगे 117 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये होता है आपका एम्पियर। वॉशिंग सोडा इज कॉमनली नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और फिर ये जो है आपका अगला क्वेश्चन 119 और 120, ये लास्ट के दो क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, व्हाट इज द पॉसिबल टाइट्रेशन वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बेस पे मैं अगर जो बात करूँ तो यहाँ पर आंसर आपका 10.6 ml होना चाहिए, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड कलर चेंजेस आर करेक्ट। सो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज टू येलो एंड मिथाइल ऑरेंज येलो टू पिंक। सो यहाँ पर रहेगा फिनाइल फिथिलीन कलर लेस टू पिंकिश कलर, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने सॉल्यूशन किया है, ये किया हमने जनरल अवेयरनेस और स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आपके साइंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमने यहाँ पर किया है। कुछ 4-5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। और ये एग्जाम था आपका EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, लैब अटेंडेंट का पोस्ट हुआ था आपका इसका एग्जाम 23rd of December 2023 को, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।